हेलो, गुड आफ्टरनून। तो ये दिन का समय है, 2 बज गए हैं अभी, और मौसम इस तरह से है, पतझड़ शुरू हो गई है, सारे पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं। और देखिए मौसम, पहाड़ जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से इतना अच्छा लग रहा है ये। और ये पिटूनिया, इसका कलर देखिए आप, ये वाला कलर है, थोड़ा इस बार अलग सा कलर निकल के आया है ये, इस तरह से। और ये मैरीगोल्ड है, पर इस समय ये इस बार लेट खिल रहे हैं, पता नहीं क्यों, या मैं लगाने में लेट हो गई हूँ। इस बार ये मैरीगोल्ड नहीं जल्दी खिला, या समझ में नहीं आ रहा ये थोड़ा लेट खिलेगा या खिलेगा भी कि नहीं खिलेगा। बड्स तो बनी हुई हैं इसमें। और ये गुलदाउदी, ये येलो कलर है, रेड कलर है, इसमें बर्ड्स बने हैं, अभी खिला नहीं है। और ये रहा पेंजी, ये 2 पौधे थे पेंजी के, और दोनों एक ही कलर है। पिछली बार भी यही कलर था और इस बार भी यही कलर खिल के आया है, अच्छा लग रहा है। डॉग फ्लावर है, इसमें भी बर्ड्स बनना शुरू हो गए हैं। और ये जेरेनियम, ये वाला जो कलर है खूब खिल के निखर के आया है, खूब बड़ा देखिए फूल है ये, इसका पूरा हाथ भर रहा है ये। ये लाइट कलर है, और यहाँ पे ओस गिर रही है, तो इतना थोड़ा पौधों को बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शाम के समय बहुत ठंड हो जाती है। और ये मैंने लेमन ग्रास का पौधा लगाया है, मेरे पास गमला नहीं था तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको इसी में लगा दिया, इसी में ये टमाटर का पौधा भी लग गया है, लगाया नहीं है, अपने आप निकला है ये पौधा, और इसी में मैंने लेमन ग्रास लगा दिया। अब जब ये थोड़ा टिक जाएगा तो इसको मैं अलग गमले में शिफ्ट कर दूँगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये जो प्लेट देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी हैं। ये सब्जियां हैं जैसे प्याज, गाजर, कैप्सिकम, मटर, पत्ता गोभी, और साथ में ये बीच में है हरी मिर्ची। बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं तो थोड़े से चावल बचे हैं, तो मैं उनको फ्राई कर दूंगी, फ्राई राइस बना दूंगी। ये रहे चावल जो बच गए थे, तो अभी इनको मैं फ्राई कर दूंगी। इंडक्शन मैंने ऑन कर दिया है, इसमें पैन रख के अब मैं डालूंगी तेल। तेल हो गया है गरम, इसमें डालूंगी अभी मैं प्याज, साथ में डाल दूंगी गाजर, और गाजर के साथ में भी
डाल दूंगी हरे मटर, सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देना है। सब्जियाँ ये थोड़ी पक गई हैं तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें पत्ता गोभी, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी मैं डाल दूँगी इसमें चावल, चावल डाल दिए हैं, इसी में ऐड कर दूँगी मैं कुछ सॉस, ये है सोया सॉस और विनेगर। चावलों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड कर दिया है मैंने, इसमें अंडा नहीं डाला है आज, थोड़े से टेस्ट के लिए अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप। अभी ये राइस तैयार है, इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, कलरफुल भी देखने में लग रहा है ये, और आदित्य नन्हे को बहुत पसंद है। और हमारे घर में अक्सर जब चावल बच जाते हैं तो ये ही फ्राइड राइस बनते हैं।